हे गाइस, यश हियर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ Oneplus 8 सीरीज के बारे में। सो गाइस, जैसे कि हम जानते ही हैं, Oneplus 8 लॉन्च होने वाला है 14th ऑफ अप्रैल को वाया ऑनलाइन इवेंट। सो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में और जानेंगे कि क्या आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए और क्या रहेगी इसकी प्राइसिंग और सारी चीज़ें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, जो Oneplus 8 स्मार्टफोन है उसके अंदर आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं Oneplus के स्मार्टफोन से कि उसके अंदर सबसे लेटेस्ट और फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर आता है। तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 865 मिलने वाला है, बट कहीं ना कहीं आपको स्टार्क डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे Oneplus 8 और Oneplus 8 Pro में, और वहीं आपको प्राइस डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा। अगर सबसे पहले चीज़ की बात करें तो वो आ जाता है डिवाइस के अंदर आपको क्या स्टोरेज मिलती है, क्या रैम मिलती है। तो जो आपको रैम और स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है Oneplus 8 और 8 Pro में, वो दोनों ही सेम है। आपको स्टार्टिंग रैम वेरिएंट जो मिलता है वो है 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज, और आप मैक्स आउट वेरिएंट ले सकते हैं जो कि आएगा 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ। तो आपको दोनों ही स्मार्टफोन Oneplus 8 और Oneplus 8 Pro के अंदर ये सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, बट जहाँ पे आपको फ़र्क देखने को मिलता है वो है इसकी रैम टाइप। सो ये तो है स्टोरेज और रैम कॉन्फ़िगरेशन की बात, बट अगर हम बात करें इसके रैम टाइप की तो यहाँ पे आ जाता है डिफरेंस। Oneplus 8 के अंदर आपको मिलता है LPDDR4X रैम, जबकि Oneplus 8 Pro में आपको मिलता है LPDDR5 रैम। सो अगर हम स्टोरेज टाइप की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलने वाला है UFS 3.0। ऐसे भी कुछ रूमर्स आए थे कि Oneplus 8 Pro के अंदर आपको मिलने वाला है UFS 3.1, तो ये तो अब टाइम ही बताएगा। बट अभी तो जितने भी स्पेक्स लीक होकर बाहर आए हैं उसमें से तो यही पता लगता है कि UFS 3.0 ही मिलेगा आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं इनकी बैटरी की। स्वयर Oneplus ने बैटरी कैपेसिटी भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा दी है। Oneplus 8 के अंदर आपको देखने को मिलेगी 4300 mAh की बैटरी और Oneplus 8 Pro के अंदर आपको मिलेगी 4510 mAh की बैटरी। स्वयर बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर Oneplus ने बहुत अच्छा काम करा है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, Oneplus 8 Pro के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा वायरलेस चार्जिंग कैपेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक Oneplus की किसी भी डिवाइस में वायरलेस कैपेबिलिटी नहीं थी कि आप उसे वायरलेसली चार्ज कर पाएं, बट Oneplus 8 Pro में आपको ये स्पेसिफिकेशन भी मिल जाएगी। बट Oneplus 8 के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा और दोनों ही आपको 30 वॉट का वाप चार्ज सपोर्ट करते हैं। सर, अब बात करते हैं इनके कैमरास के बारे में। तो Oneplus 8 के अंदर आपको मिलते हैं 3 कैमरा बैक में और 1 कैमरा फ्रंट में। तो जो बैक कैमरे की बात करूं मैं, तो आपको इसके अंदर मिलता है 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586। सॉरी, बहुत ही अच्छा और केपेबल सेंसर है। अभी तक जितने भी स्मार्टफोन्स में इसे यूज़ किया है इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और इसके अंदर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस जो कि बहुत ही अच्छा है, और आपको इसके अंदर मिलता है आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जो कि आपके डेप्थ फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छे से काम आने वाला है। अगर फ्रंट की बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का IMX471 जो कि एक बहुत ही अच्छा और केपेबल कैमरा सेंसर है। अगर बात करें Oneplus 8 Pro में तो आपको यहाँ पे बैक की तरफ मिलते हैं क्वाड कैमरा सेटअप, और रेयर में मिलता है आपको वही सिंगल कैमरा सेटअप जो कि होने वाला है 16 मेगापिक्सल IMX471। जो इसके रेयर में हमें कैमरास मिलते हैं वो होने वाले हैं 248 मेगापिक्सल के सेंसर। जो पहला होगा वो होगा सोनी IMX689। ये एक कस्टमाइज सेंसर है जो कि Oneplus के लिए ही बना है, तो इसमें आपको इमेजिंग ज़्यादा अच्छी और क्लियर मिलने देख तो इसमें आपको इमेजिंग ज़्यादा अच्छी और क्रिस्प देखने को मिल सकती है। और इसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा भी मिलता है जो कि एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है। सो इसके अंदर आपको 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर इसके बाकी दो कैमरास की बात करें तो आपको एक दूसरा कैमरा मिलता है जो कि है 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, फोर्थ लेंस है वो है 5 मेगापिक्सल का कलर फिल्टर। सर, कैमरा के डिपार्टमेंट में Oneplus 8 और Oneplus 8 Pro दोनों ही बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। तो देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अब बात कर लेते हैं क्या इसके अंदर आपको USB 3.5 mm जैक मिलेगा, जो कि एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन हो जाता है जो लोग म्यूजिक का बहुत शौक रखते हैं। तो इसके अंदर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली, बट ये Oneplus की स्ट्रेटेजी कह लीजिए या आजकल का ट्रेंड है, तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। बट अगर हम इनके प्राइसिंग की बात करते हैं तो Oneplus 8 आपको कहीं ना कहीं 45,000 से 50,000 के बीच में लॉन्च हो सकता है, और Oneplus 8 Pro 55,000 से 65,000 तक जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन 5G कैपेबिलिटी के साथ आने वाले हैं और इसी कारण इनकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यार, इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें टेक वीक्स। जय हिंद।